हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइबर वर्ल्ड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे नोटपैड के बारे में। नोटपैड है तो एक छोटा सा प्रोग्राम, ये सभी विंडो का डिफॉल्ट प्रोग्राम होता है। जैसे ही आप कोई भी विंडो इंस्टॉल कराते हैं तो यह विंडो के साथ डिफॉल्ट रूप से आता है। तो हम सीखते हैं नोटपैड है क्या और इस एप्लीकेशन में आप क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों, नोटपैड एक सिंपल टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है। इसके अंदर हम टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, टेक्स्ट को राइट कर सकते हैं, टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम इस प्रोग्राम में बहुत बड़े बड़े एप्लीकेशन, वेब पेज डिजाइन, वायरसेस बना सकते हैं और भी बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको नोटपैड के सारे ऑप्शन एंड कमांड्स के बारे में बता दूंगा, पूरा नोटपैड कंप्लीट करा दूंगा। और फिर अगले वीडियो में मैं आपको नोटपैड में वेब पेज कैसे डिजाइन करते हैं, बैट फाइल कैसे क्रिएट करते हैं और इसके अंदर कमांड फाइल कैसे बनाएंगे, वो सारी बातें बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के टेक्निकल रिलेटेड वीडियोज और कंप्यूटर कोर्स के वीडियोज लाते रहता हूँ। और अगर आपने हमारे पुराने वीडियोज को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक कर आसानी से उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं साइबर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने पीसी स्क्रीन पर। हाँ तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हम अपने पीसी स्क्रीन पर आ गए हैं। इसके बाद सिंपली हमें नोटपैड एप्लीकेशन को ओपन करना है। नोटपैड एप्लीकेशन को ओपन करने का मैंने बहुत सारा तरीका बताया है, जिसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। हम उन्हें तरीकों में से एक तरीका विंडो आर यानी रन कमांड के द्वारा ओपन करते हैं। इसके लिए सिंपली हमें विंडो प्लस आर प्रेस करना है और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने रन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। इसमें सिंपली हमें उस एप्लीकेशन का नाम टाइप करना है जिस एप्लीकेशन को हम ओपन करना चाहते हैं। तो अभी हम नोटपैड टाइप करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं नोटपैड टाइप करने के बाद इसके बाद आपको सिंपली अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करना है या माउस के द्वारा ओके प्रेस करना है। और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे सामने नोटपैड एप्लीकेशन ओपन हो गया है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, किसी भी एप्लीकेशन के सबसे टॉप में ब्लू पट्टी जो रहती है इसे हम कहते हैं टाइटल बार, जिसमें नेम ऑफ एप्लीकेशन और नेम ऑफ फाइल शो करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें हमारा एप्लीकेशन का नेम नोटपैड और चूंकि मैंने अभी कोई भी इसमें वर्ड नहीं किया और इसे सेव नहीं किया इसीलिए अनटाइटल्ड शो कर रहा है। और टाइटल बार के लेफ्ट साइड में यह हमारा होता है एप्लीकेशन बटन, यानी जैसे ये नोटपैड एप्लीकेशन है तो ये नोटपैड बटन इसे कहते हैं। नोटपैड बटन में आपको टोटल 6 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें हमारा है रीस्टोर, मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। और टाइटल बार के राइट साइड में आपको यहाँ पर 3 बटन मिलेगा, मिनिमाइज, रीस्टोर और ये क्लोज बटन। तो बारी बारी से हम इन सब ऑप्शन के बारे में आपको बताएंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं नोटपैड एप्लीकेशन में टोटल 5 मेनू है, फाइल मेनू, एडिट मेनू, फॉर्मेट मेनू, व्यू मेनू, हेल्प मेनू। तो बारी बारी से हम सारे मेनू का यूज करना सीखते हैं। सबसे फर्स्ट मेनू फाइल मेनू के बारे में हम सीखते हैं। फाइल मेनू में आप टोटल 7 ऑप्शंस को देख सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है न्यू, सेकेंड ओपन, थर्ड सेव, फोर्थ सेव एज, फिफ्थ पेज सेटअप, प्रिंट, एग्जिट। मैं आपको बता दूं सबसे पहला ऑप्शन न्यू ऑप्शन। न्यू ऑप्शन का यूज बेसिकली हम एक नया पेज क्रिएट करने के लिए करते हैं। जैसा कि आपको मैं बता दूं, मैंने आप यहां पर कोई वर्क कर लिया, अब मुझे एक नया पेज चाहिए। इसके लिए सिंपली हमें फाइल मेनू पर क्लिक करना है और न्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही न्यू ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आपसे पूछ रहा है कि आप ये अनटाइटल्ड को सेव करना चाहते हैं, सेव करके एक नया पेज लेना चाहते हैं या बिना सेव किए लेना चाहते हैं या इसी में और वर्क करना चाहते हैं। तो हम बिना सेव किए लेना चाहते हैं, इसके लिए सिंपली हमें डोंट सेव पर क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने वो एक नया पेज क्रिएट हो गया और जो मैंने पहले से इस पे वर्क किया था वो हट गया। तो इस तरह से आपने सीखा न्यू ऑप्शन का यूज करना। तो हम अपने सेकेंड ऑप्शन ओपन ऑप्शन का यूज करना सीखते हैं। ओपन ऑप्शन का यूज बेसिकली हम तब करते हैं जब हमने इस एप्लीकेशन में कोई वर्क किया हो और उस वर्क में हमें एडिटिंग करना है या कुछ उसमें ऐड करना है, फॉर्मेटिंग चेंज करना है। तो इसके लिए सिंपली हमें फाइल मेनू पर क्लिक करना है, उसके बाद हमें ओपन ऑप्शन पर क्लिक करना है।
और जैसे ही ओपन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके सामने ओपन ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स, इसमें आपको सेव किए फाइल पर डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करते हैं आपके सामने वो फाइल ओपन हो जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपने सीखा ओपन ऑप्शन का यूज करना। सिंपली अब हम सेव ऑप्शन का यूज करना सीखते हैं। इसके लिए बेसिकली हमें पहले इस डॉक्यूमेंट में कोई वर्क करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर टेक्स्ट को टाइप कर लिया है। इसके बाद सिंपली हम अपने, अगर इस टेक्स्ट को हमें सेव करना है तो सिंपली हमें फाइल बटन पर क्लिक करना है और सेव ऑप्शन पर क्लिक करना है। और जैसे ही सेव ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके सामने सेव एज का विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें आपको उस फाइल का नेम और उस फाइल को आप किस लोकेशन में रखना चाहते हैं उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम इस फाइल को डेस्कटॉप पे रखना चाहते हैं और किस नेम से, तो यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं। टाइप करने के बाद सिंपली आपको सेव पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपने सीखा सेव ऑप्शन का यूज करना। तो अपने नेक्स्ट ऑप्शन सेव एज कार्ड, सेव एज ऑप्शन का यूज बेसिकली हम तब करते हैं जब अपने सेव किए डॉक्यूमेंट को किसी अदर लोकेशन पर किसी अदर नेम से या उसी लोकेशन पर किसी अदर नेम से सेव करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें सेव एज ऑप्शन का यूज करना होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे ही हम सेव एज ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने सेव एज का विंडो ओपन हो जाता है। इसमें आपको आपका पहले से जो सेव किया हुआ है उसका फाइल नेम और उसका लोकेशन शो करेगा। अगर आप इसी फाइल को किसी अदर लोकेशन पर सेव करना चाहते तो सिंपली आपको उस लोकेशन को सर्च कर लेना है। जैसे कि अभी हमारा डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप पर है, अब हम उसे डॉक्यूमेंट में रखना चाहते हैं तो इसके लिए सिंपली हमें और इसी नेम से रखना चाहते हैं तो सिंपली हमें डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है और फाइल नेम में, और फाइल नेम में अगर आपको वही नाम रहने देना है तो आप उसी नेम से भी कर सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं हमारे सामने पहले से भी इस नेम से फाइल है तो इसके लिए हमें सिंपली यहाँ पर वन टाइप कर दे रहे हैं और इस तरह से फिर सेव कर दे रहे हैं। तो इस तरह से आप सेव एज ऑप्शन का यूज करना सीखें। तो हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन पेज सेटअप ऑप्शन का यूज करना सीखते हैं। इसके लिए सिंपली हमें फाइल मेनू पर क्लिक करना है और पेज सेटअप ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही पेज सेटअप ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके सामने पेज सेटअप का विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें आपको पेपर साइज, सोर्स, ओरिएंटेशन, मार्जिन, प्रीव्यू, हेडर, फुटर शो करेगा। इसमें आपको पेपर का साइज सिलेक्ट करना है जो आपके प्रिंटर में है। बेसिकली ये ज्यादातर A4 साइज होता है तो हम A4 साइज सिलेक्ट कर लेते हैं। सोर्स में ऑटो सिलेक्ट ये पहले से रहता है। और ओरिएंटेशन यानी आपका पेज प्रिंट आपको कैसे चाहिए, पोर्ट्रेट यानी खड़ा, लैंडस्केप यानी लेटा हुआ, हम पोर्ट्रेट सिलेक्ट करते हैं। और ये मार्जिन जो इंच में होगा, इसमें आपको देख सकते हैं पहले से फिल है 0.75 आप इसे जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर फिल कर लिया। इस तरह से आप प्रीव्यू में उसे देख सकते हैं और हेडर फुटर में जैसे ऑप्शन फील है आप उसे वैसे ही छोड़ दें। इस ऑप्शन का यूज बेसिकली हम तब करते हैं जब हमें किए गए वर्क और जो मेरा डॉक्यूमेंट जो मैंने बनाया है उसे आप अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो इसके लिए पेज सेटअप करना होता है। तो हम पेज सेटअप कर लिए। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन प्रिंट ऑप्शन का यूज बेसिकली हम बनाए गए डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक किया आपके सामने प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इसमें आपको सिलेक्ट प्रिंटर का ऑप्शन है क्योंकि मेरा ब्रदर्स का, इसमें आपको अपने प्रिंटर को सिलेक्ट करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हमारा स्टेटस ऑफलाइन शो कर रहा है क्योंकि मैंने अभी प्रिंटर को ऑन नहीं किया है। और जैसे ही आप अपने प्रिंटर को ऑन कीजिएगा तो यहाँ पे ऑनलाइन शो करेगा। उसके बाद सिंपली आपको पेज रेंज में डिफॉल्ट रूप से ये ऑल सेव सिलेक्ट रहता है और नंबर ऑफ कॉपी यानी आप कितने पेज का प्रिंट निकालना चाहते हैं आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। और उसके बाद सिंपली अप्लाई पर क्लिक कर प्रिंट कर दे। उसके बाद सिंपली अप्लाई पर क्लिक कर आप प्रिंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे वो डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर अभी कैंसिल कर देते। इस तरह से आपने सीखा फाइल मेनू के अंदर इन सारे ऑप्शंस का यूज करना। एग्जिट ऑप्शन का यूज बेसिकली हम इस एप्लीकेशन से बाहर जाने के लिए करते हैं। जैसे ही आप एग्जिट पर क्लिक करते हैं तो ये एप्लीकेशन ऑफ हो जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम अपने नेक्स्ट मेनू एडिट मेनू का यूज करना सीखते हैं। एडिट मेनू में आप अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस, गो टू, सिलेक्ट ऑल, टाइम एंड डेट ऑप्शन का यूज करना सीखेंगे। अंडू ऑप्शन का यूज बेसिकली हम एक स्टेप पीछे जाने के लिए करते हैं। इस ऑप्शन का यूज करने के लिए पहले हम फाइल मेनू में जाकर सेव किए हुए एक डॉक्यूमेंट को इसमें ओपन कर लेते। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने एक सेव किया हुआ डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है। इसमें मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर और डिलीट कर देता हूँ। और इसके बाद आपको वो डिलीट किया हुआ टेक्स्ट वापस से चाहिए यानी एक स्टेप पीछे जाना है। इसके लिए सिंपली आपको एडिट पर क्लिक करना है और अंडू पर क्लिक कर देना है। और इस तरह से आप देख सकते हैं वो हमारा टेक्स्ट वापस से आ गया है। तो हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन कट ऑप्शन का यूज करना सीखते हैं। कट ऑप्शन का यूज बेसिकली हम तब करते हैं जब हमें उस जगह से उस वर्ड को रिमूव कर दूसरी जगह लेकर जाना रहता है तो हम कट ऑप्शन का यूज करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ये वर्ड को सिलेक्ट कर लिया और इसके बाद हमें इस वर्ड को इस जगह से हटाकर दूसरी जगह लेके जाना है या इस जगह से हमें डिलीट कर देना है।
तो सिंपली आप यहाँ पर सिलेक्ट करें, एडिट मेनू में जाएं और कट पर क्लिक कर दें। और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा वो वर्ड जिसे मैंने सिलेक्ट किया था वो यहाँ से हट गया है। और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन पेस्ट ऑप्शन का यूज करना सीखते हैं। पेस्ट ऑप्शन का यूज बेसिकली हम कट और कॉपी किए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अगर आप यहाँ पर उस कट किए गए वर्ड को वापस से यहाँ पर लाना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पर कर्सर रखना है और उसके बाद एडिट में जाएं और पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इस तरह से आप उस कट किए गए वर्ड को वापस से यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन कॉपी जो अभी हाइड है, इसके लिए सिंपली हमें पहले इस वर्ड को सिलेक्ट करना है। कॉपी ऑप्शन का यूज बेसिकली हम तब करते हैं जब हमें इस वर्ड को यहाँ पर भी रहने देना है और हमें इस वर्ड को कहीं और भी इसका यूज है, यही वर्ड हमें दूसरी जगह पे चाहिए। इसके लिए सिंपली हमें इस वर्ड को सिलेक्ट करना है, एडिट में जाना है और कॉपी कर देना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं वो वर्ड यहाँ पे भी है और अगर हमें दूसरी जगह इसे पेस्ट करना है तो सिंपली हम वहां पर कर्सर को रखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है। उसके बाद सिंपली हमें एडिट में जाना है और पेस्ट पर क्लिक कर देना है। और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा वो कट किया गया वर्ड टेक्स्ट यहाँ पर पेस्ट हो गया है। और आप यहाँ पर जितनी बार पेस्ट करना चाहते हैं आप उतनी बार पेस्ट कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसका शॉर्टकट की आपको यहाँ पे शो कर रहा है कंट्रोल भी। यहाँ पे आप अपने कीबोर्ड से भी कंट्रोल भी प्रेस कीजिए और जितनी बार भी प्रेस कीजिएगा कंट्रोल के साथ उतनी बार ये पेस्ट होगा। तो इस तरह से आपने जाना एडिट मेनू में अंडू कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन का यूज। तो हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन डिलीट ऑप्शन का यूज करना सीखते हैं। इसके लिए सिंपली हमें पहले जिस भी टेक्स्ट को डिलीट करना है हमें उसको सिलेक्ट करना होगा। तो आप माउस के द्वारा आसानी से उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया और इस टेक्स्ट को हमें डिलीट करना है तो सिंपली एडिट में जाएंगे और ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से आप उस सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को डिलीट कर दिए। और अगर आप उस टेक्स्ट को वापस से लाना चाहते हैं तो सिंपली आपको एडिट में जाना है और अंडू कर देना है या अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जेड प्रेस करना है। इस तरह से आपने एडिट मेनू में अंडू कट कॉपी पेस्ट डिलीट ऑप्शन का यूज करना सीखा। तो अपने नेक्स्ट ऑप्शन फाइंड ऑप्शन का यूज करना सीखते हैं। फाइंड ऑप्शन का यूज, जैसा कि आप जानते हैं फाइंड का मतलब होता है खोजना। जैसे ही आप फाइंड पर क्लिक करते हैं आपके सामने ये फाइंड का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डॉक्यूमेंट में किसी वर्ड को, किसी लेटर को, किसी सेंटेंस को खोजना चाहते हैं तो उसके लिए हमें फाइंड ऑप्शन का यूज करना होता है। इसके बाद सिंपली हमें एडिट पर क्लिक करना है और फाइंड पर क्लिक करना है तो आपके सामने ये फाइंड का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आप जिस भी वर्ड को, सेंटेंस को, लेटर को फाइंड करना चाहते हैं तो आप उस वर्ड, सेंटेंस या लेटर को टाइप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। इसमें आपको डायरेक्शन पूछ रहा है डाउन और अप। तो हमारा कर्सर अभी अप में है तो अप से नीचे डाउन की ओर जाएंगे तो डायरेक्शन डाउन होगा। तो यहाँ पे डाउन सिलेक्ट है। और मैच केस, मैच केस का मतलब सेम लेटर। जो वर्ड आपने यहाँ पर, जैसे आपने सारा लेटर यहाँ पर स्मॉल में लिखा और अगर आप मैच केस लगा देते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट में जितना साइबर लिखा हुआ स्मॉल लेटर से होगा वही फाइंड करेगा। और अगर आप मैच के हटा देते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट में जितना भी वर्ड लिखा होगा साइबर उसे ये फाइंड करेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हम यहाँ पर उस वर्ड को टाइप करने के बाद आपको सिंपली फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है तो हमारा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर शो कर रहा है। और इसके बाद तो हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन फाइंड नेक्स्ट ऑप्शन का यूज करना सीखते हैं। फाइंड नेक्स्ट ऑप्शन का यूज बेसिकली फाइंड ऑप्शन के जैसा ही होता है। जैसे ही आप फाइंड ऑप्शन में कोई भी वर्ड फाइंड करते हैं और उसे फाइंड नेक्स्ट करते हैं और उसके बाद कैंसिल कर देते हैं और उसके बाद सिंपली आपको अगर शॉर्टकट तरीके से फाइंड नेक्स्ट करना है, बार बार फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक नहीं करना है तो उसके लिए सिंपली आपको फाइंड नेक्स्ट के सामने आपका शॉर्टकट की शो कर रहा है जो है F3। उसके लिए सिंपली आपको अपने कीबोर्ड से सबसे पहले हमें सबसे फर्स्ट पॉइंट के फर्स्ट लाइन पर कर्सर को रख देना है और सिंपली F3 को प्रेस करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं हम अपने कीबोर्ड से F3 प्रेस कर रहे हैं और जितना वर्ड है ये शो कर रहा है। तो इस तरह से आपने सीखा फाइंड नेक्स्ट ऑप्शन का यूज करना। तो अब हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन रिप्लेस ऑप्शन का यूज करना सीखते हैं। रिप्लेस का मतलब होता है चेंज करना यानी बदलना। इसमें आपको शो कर रहा है फाइंड वर्ड और रिप्लेस विद। फाइंड वर्ड यानी आप किस, इसमें आपको उस वर्ड को टाइप करना है जिस वर्ड को आप ढूंढ कर उसे चेंज करना चाहते हैं तो हम इसमें टाइप कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया। और रिप्लेस विद यानी आप उस वर्ड को किस नेम से फिर रिप्लेस करना चाहते हैं यानी चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर
तीन ऑप्शन मिलेंगे, फाइंड, रिप्लेस, रिप्लेस और ये कैंसल। तो फाइंड नेक्स्ट यानी आपको ये ढूंढ कर बताएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे फर्स्ट हमें दिखाया यहाँ पर साइबर लिखा हुआ है। उसके बाद आप अगर आपको इस साइबर वर्ड को चेंज करना है तो सिंपली आप रिप्लेस पर क्लिक कर देते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चेंज हो गया। अगर आपको फिर नेक्स्ट वर्ड आपको खोजना है तो सिंपली आपको फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करते जाना है और इस तरह से आपको वो बताते जाएगा कि आप किस वर्ड को यहाँ यहाँ साइबर लिखा हुआ है आप इसे चेंज करना चाहते हैं या नहीं। और अगर आप जिस भी वर्ड को चेंज करना चाहते हैं तो उसके वहाँ पर सिलेक्ट जैसे ही होता है उसे रिप्लेस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, वो जितना भी साइबर वर्ल्ड लिखा है अगर आप उसे चेंज करना चाहते हैं कंप्यूटर में तो सिंपली आपको रिप्लेस ऑल पर क्लिक करना है। और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में जितना भी ऐसा वर्ड लिखा था वो सब चेंज होके इस तरह से हो गया, यानी जितना भी साइबर वर्ल्ड लिखा था वो सारा कंप्यूटर हो गया। तो इस तरह से आप सीखते हैं रिप्लेस ऑप्शन का यूज करना। फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन गो टू ऑप्शन का यूज करना सीखते हैं। गो टू ऑप्शन जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हाइड है, आप इसे अनहाइड करने के लिए सबसे पहले फॉर्मेट मेनू में जाकर वर्ड रैप के सामने वाले चेक बॉक्स को अनचेक करना। उसके बाद आप देख सकते हैं ये गो टू ऑप्शन हमारा अनहाइड हो गया। गो टू ऑप्शन का यूज बेसिकली हम तब करते हैं जब हम अपने डॉक्यूमेंट, एग्जाम्पल के लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट 100 लाइन का बना लिया और हमें उस डॉक्यूमेंट के 56 नंबर लाइन पर जाना है तो सिंपली आपको गो टू ऑप्शन पर क्लिक करना है और लाइन नंबर यहां पर फिल कर देना है। तो 56 नंबर मैंने फिल कर दिया और इस तरह से आप देख सकते हैं हम यहां पर 56 नंबर पर आ गए हैं। अगर आप दूसरे नंबर पर जाना चाहते हैं तो फिर से आप गो टू पर क्लिक करना है और यहां पर कोई और नंबर चूज कर लेना है, जैसे हम 99, इसके बाद सिंपली हमें गो टू पर क्लिक करना है और आप इस तरह से देख सकते हैं हम 99 नंबर पर आ गए हैं। ये हमारा 99 यहाँ पर इसके ठीक सामने हमारा कर्सर ब्लिंक करता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपने सीखा गो टू ऑप्शन का यूज करना। अब हमने नेक्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑल ऑप्शन का यूज बेसिकली हम अपने डॉक्यूमेंट में सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए करते हैं। इसके लिए सिंपली हमें एडिट पर क्लिक करना है और सिलेक्ट ऑल पर क्लिक कर देना है या अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और ए प्रेस करना है। इस तरह से हमारा सारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। तो हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन टाइम एंड डेट ऑप्शन का यूज करना सीखते हैं। टाइम एंड डेट ऑप्शन का यूज बेसिकली हम तब करते हैं जब अपने डॉक्यूमेंट में करेंट टाइम और डेट को फिल करना चाहते हैं। इसके लिए सिंपली हमें, तो आप अपने डॉक्यूमेंट में जिस भी जगह पर टाइम एंड डेट को फिल करना चाहते हैं तो वहां पर अपने माउस का कर्सर को लाइए। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपने माउस के कर्सर को ला दिया है और उसके बाद सिंपली आपको अपने कीबोर्ड से F5 प्रेस करना है या एडिट मेनू में जाकर टाइम एंड डेट पर क्लिक करना है। तो हम अपने कीबोर्ड से F5 प्रेस करते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा करेंट टाइम और डेट यहाँ पर शो कर रहा है। तो इस तरह से आपने सीखा एडिट मेनू में अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस, गो टू, सिलेक्ट ऑल, टाइम एंड डेट ऑप्शन का यूज करना। तो अपने नेक्स्ट मेनू फॉर्मेट मेनू में वर्ड रैप ऑप्शन का यूज करना सीखते हैं। वर्ड रैप का मतलब वर्ड के बीच में ब्रेक। अगर आप, जैसा कि आप देख सकते हैं डिफॉल्ट रूप से ये पहले से चेक लगा हुआ रहता है तो वर्ड रैप का मैं आपको, अगर ये चेक ऐसे ही अगर आप इस चेक को यहाँ से हटा देते हैं तो उसके बाद आप बिना रैप के यानी कोई भी वर्ड टेक्स्ट को यहाँ पर टाइप कीजिएगा तो वो बिना ब्रेक यानी बिना नीचे आए एक ही लाइन पे वो टाइप होता जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैंने इसे सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया और कंट्रोल वी से पेस्ट किया। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा पेस्ट हो गया। मैंने इतने सारे वर्ड लिखे बट ये दो ही लाइन में शो कर रहा है। तो अगर आप इसे नीचे लाना चाहते हैं यानी वर्ड के बीच में रैप लाना चाहते हैं तो सिंपली आपको फॉर्मेट मेनू पर क्लिक करना है और वर्ड रैप के सामने वाले चेकबॉक्स को चेक लगा देना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट शो कर रहा है। तो हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन फॉर्मेट मेनू में फॉन्ट ऑप्शन का यूज करना सीखते हैं। फॉन्ट ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने फॉन्ट का विंडो ओपन हो जाता है। इसमें आपको फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का स्टाइल और फॉन्ट का डिजाइन, कैसा आप फॉन्ट चाहते हैं वो आपको शो कर रहा है। तो हम, जैसा कि आप देख सकते हैं और यहाँ पे सैंपल में आपको वो, आप जिस भी फॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे वो आपको सैंपल में यहाँ पे शो करेगा जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे फॉन्ट का स्टाइल रेगुलर, बोल्ड, बोल्ड ऑब्लिक और यहाँ पे साइज जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर आप इस साइज से भी ज्यादा, अगर आप 22 से भी ज्यादा साइज फॉन्ट
करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पर टाइप करके आप उसके साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, और उसके बाद सिंपली आपको ओके प्रेस करना है। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा साइज फॉन्ट का डिजाइन चेंज हो गया है। टेक्स्ट को फिर से उसी तरह कर लेते हैं। इसके लिए सिंपली हमें तो अपने टेक्स्ट को चेंज कर लेते हैं, साइज छोटा कर लेते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट का साइज छोटा हो गया। इस तरह से आपने फॉर्मेट मेनू में वर्ड रैप और फॉन्ट ऑप्शन का यूज करना सीखा। तो अपने नेक्स्ट ऑप्शन व्यू मेनू में स्टेटस बार ऑप्शन का यूज करना सीखते हैं। स्टेटस बार, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी ये ऑप्शन हाइड है, और मैं आपको बता दूं किसी भी एप्लीकेशन के सबसे नीचे स्टेटस बार शो करता है, जो हमारे एप्लीकेशन में अभी शो नहीं कर रहा है क्योंकि ये अभी हाइड है। अगर आप इसे अनहाइड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको फॉर्मेट में जाके वर्ड रैप के सामने वाले चेकबॉक्स को अनचेक करना होगा, और उसके बाद आप व्यू टैब में जाकर सिंपली स्टेटस बार पर क्लिक कर सकते हैं, और आपके सामने देखिए ये स्टेटस बार शो कर रहा है। इसमें आपको लाइन नंबर और कॉलम नंबर शो कर रहा है, लाइन नंबर 1 और कॉलम नंबर 1। अब आप जिस भी कॉलम पर अपने कर्सर को रखिएगा वहां पर आपको स्टेटस बार में वो शो करेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं लाइन नंबर 2 कॉलम नंबर 20। तो अपने नेक्स्ट मेनू हेल्प मेनू में चलते हैं। इसमें आपको व्यू हेल्प और अबाउट नॉट पैड दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। व्यू हेल्प यानी अगर आप इस एप्लीकेशन में किसी भी ऑप्शन के बारे में नहीं जानते हैं और उसके बारे में आप जानना चाहते हैं, हेल्प लेना चाहते हैं, तो सिंपली आपको हेल्प मेनू में आना है, और व्यू मेनू पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने विंडो हेल्प एंड सपोर्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आपको, इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हेल्प लेना चाहते हैं तो सिंपली आपको सबसे पहले अपने पीसी या लैपटॉप में डाटा कनेक्ट करना होगा, और उसके बाद सिंपली आप यहाँ पे कोई भी नोटपैड के बारे में कुछ भी सर्च कर आप उसके लिए हेल्प ले सकते हैं। तो अपने नेक्स्ट ऑप्शन अबाउट नोटपैड यानी नोटपैड के बारे में, अगर आप इस एप्लीकेशन यानी नोटपैड के बारे में जानना चाहते हैं कि ये किसने बनाया और क्या है, उसके लिए आपको सिंपली अबाउट नोटपैड पर क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने ये शो कर रहा है, ये नोटपैड एप्लीकेशन विंडो 8 में ओपन है, वर्जन 6.3 है, और अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं सिंपली आपको पहले अपने पीसी या लैपटॉप से डाटा कनेक्ट सिंपली आपको अपने पीसी या लैपटॉप में डाटा कनेक्ट करना है, और उसके बाद सिंपली आपको ये माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर लाइसेंस टर्म्स पर क्लिक कर आप आसानी से नोटपैड के बारे में जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक कर आसानी से उस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।